डिंडोरी में पूर्व नगर परिषद में भाजपा आदिवासी मोर्चा के महामंत्री पंकज टेकाम ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने शाहपुरा से पूर्व विधायक व भाजपा नेता चैन सिंह भवेदी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष तिवारी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसपी से शिकायत कर दोनों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पंकज टेकाम ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से पर्चा जारी कर मेरे परिवार और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे परिजनों ने वर्ष 2009-10 में पवित्र ग्रंथ रामायण को जलाया गया था। इसके अलावा मेरे नगर परिषद अध्यक्ष रहते घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चैन सिंह भवेदी और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष तिवारी ने फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ये दुष्प्रचार किया है। ये पूरी तरह से गलत है। उनके पास कोई प्रमाण है तो सबके सामने रखें। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व विधायक चैन सिंह भवेदी और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष तिवारी ने मुझे और मेरे माता पिता को बदनाम करने की साजिश रची है। उससे मैं आहत हुआ हूँ। मेरी भावनाएं आहत हुई है। मैं हर स्तर से कार्रवाई करूंगा। मानहानि का केस भी दर्ज करवाऊंगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर सी एस भवेदी जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय मनीष तिवारी जी जो शेखपुरा से हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ में, मेरे परिवार के खिलाफ में जो अलग अलग प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर जो सोशल मीडिया प्रसारित किया जा रहा था, उसके खिलाफ में मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में एक शिकायत की है और मांग की है कि जिन गलत दस्तावेजों के आधार पर मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इनके विरुद्ध मामला कायम किया जाए और इनकी गिरफ्तार किया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।